पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे बूथ स्तर तक एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं, और मूल विषय जो है कल महामहिम से हमने जो ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन पे जो 5 बिंदु थे उसी पे आधार पे हमने आज धरना किया है। और ये निष्ठुर और निर्दयी सरकार को जगाने के लिए 1,60,000 मजदूरों की जो हालत आज 20 राज्यों में है, जिस प्रकार वो भूख प्यास से बिलबिला रहे हैं, पैदल चलते हुए गाड़ी से कुचल के ट्रक से मौत हो रही है, पैदल चलते चलते बच्ची भूखे प्यासे उसकी मौत हो जाती है, इन परिस्थितियों में भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश ने 8-10 लाख मजदूरों को अभी तक वापस ले आया, मगर यहाँ यह हालत है आज तक एक भी मजदूर नहीं आया, क्योंकि सिर्फ कागजी बातचीत कर रहे हैं और कागज़ कागज़ में ही काम हो रहा है। तो ये सरकार न मजदूरों के खाते में 1,000 रुपया डाल रही है, न किसानों को 2 साल का बोनस दे रहे हैं, न डिफरेंस की राशि दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो वादा आपने किया है पूर्ण शराबबंदी का, 1.5 साल होने के बाद भी ये सरकार पूर्ण शराबबंदी को भूल गई है। आज जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी ने गंगा जल खा के आपके सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे वादा किया था, आज 1.5 साल होने के बाद भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि 1 महीने में मांग पूरी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, 1.5 साल होने के बाद भी आज ये स्थिति है कि जनता इंतज़ार कर रही है या तो शराबबंदी हो या अपने वादा को पूरा करें। हमको अपने स्वास्थ्य की चिंता खुद को करनी चाहिए, सरकार तो निर्देश जारी करती है, मगर हमारा आग्रह सबसे यही है कि लॉकडाउन जनता के स्वास्थ्य के लिए है और हम खुद इसका कठोरता से पालन करें। सरकार ने जो जनता से वादा किया था पूर्ण शराबबंदी का, वो नहीं पूरा किया, और जिस समय लोग कोरोना से लड़ रहे थे उस समय शराबबंदी जो लागू थी, दुकानें बंद थी, उसको चालू किया गया, उसके विरोध में आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया है, उसी के समर्थन में हम सब भी यहाँ बैठे हैं। हाँ, यही हम लोगों का कहना है कि लॉकडाउन में उन्होंने जारी किया, और ये बार बार कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी के कारण हमने किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी होती है उसमें 2 चीज़ रहता है, एक जिसमें नहीं करना है, जिसमें आप टच नहीं कर सकते, तो जो नहीं करना है वो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो छूट दी जाती है उस छूट में कौन सा छूट आपको अपनाना है कौन सा नहीं अपनाना है ये आपको तय करना है। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी में शराब से छूट मिली थी तो करना और नहीं करना राज्य सरकार के हाथ में था। अभी जैसे शनिवार इतवार जो है 2 दिन ये लॉकडाउन कर रहे टोटल, इसके लिए तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी नहीं जारी है। तो ये बहाना गलत है कि भारत सरकार के एडवाइजरी के कारण इन्होंने खोला है। For more information, log on to www.clips.in.